मैं प्रियंका राज आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं आपका खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग भोजपुरी। जी हां दोस्तों, आप लोगों के बीच एक बार फिर से आप सभी के बीच पूरे दिन की ताज़ा तरीन खबरें, नई अपडेट, नई जानकारी लेकर हाजिर है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं और शुरुआत होती है भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपर स्टार खेसारी लाल यादव को लेकर। जी हाँ, 27 अक्टूबर के बाद 28 अक्टूबर को खेसारी लाल यादव लाइव आए और उन्होंने जो 27 अक्टूबर की घटना घटी थी उसकी सारी आप बीती बताई, लेकिन 28 के बाद अचानक से खेसारी लाल यादव गायब हो गए और लगातार उनसे जुड़ी खबरें सोशल मीडिया पर आनी शुरू हो गई थी। लेकिन जी हाँ, एक बार फिर से खेसारी लाल यादव बहुत जल्द अब इंडस्ट्री में कमबैक कर रहे हैं, यानी एक बार फिर से वो अपनी नई फिल्म नए गाने और नए अंदाज में नजर आने वाले हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं फाइनली एक बार फिर से खेसारी लाल यादव के गाने के साथ जुड़ी एक खास रिपोर्ट। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ 27 अक्टूबर की रात वैशाली में जो घटना घटी थी उसके बाद खेसारी 28 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर लाइव आए और उन्होंने इस वीडियो में अपनी सारी आपबीती बताई और अपना दुख जाहिर किया। उसके बाद खेसारी अचानक से कहीं गायब हो गए, लेकिन एक बार फिर से खेसारी लाल यादव इंडस्ट्री में वापसी कर रहे हैं। जी हाँ, और आज उनका एक नए गाना रिलीज करने के साथ उनका पोस्टर रिलीज हुआ है जिस गाने के बोल है फल रखे के दौरा, जिसका पोस्टर खेसारी ने शेयर करते हुए कैप्शन बॉक्स में लिखा है कमिंग सून। यानी कि खेसारी लाल यादव अपने छठ पूजा के गाने के जरिए वो एक बार फिर से कमबैक करने वाले हैं। वेल, आप लोगों को जाते जाते जानकारी देते चले कि खेसारी लाल यादव इस समय पर छठ पूजा का गाना तो रिलीज कर ही रहे हैं, इसी के साथ खेसारी की फिल्म दबंग सरकार भी बहुत जल्द छठ पूजा के अवसर पर रिलीज होने वाली है। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों कि आखिरकार किस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक बार फिर से अपने आप अपनी तरफ से नए गाने, नई फिल्मों की शुरुआत कर चुके हैं और जाते जाते जानकारी देते चले कि छठ पूजा पर खेसारी लाल यादव एक बहुत ही बड़ा धमाल लेकर आने वाले हैं। अंदाजा लग ही गया होगा, मैं बात कर रही हूँ फिल्म दबंग सरकार को लेकर। वेल, आगे बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर में बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बेहद ही ज्यादा टैलेंटेड, खूबसूरत, जिन्हें हॉट के एक एक्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, अंजना सिंह। भाई, अंजना सिंह अब एक्ट्रेस के बाद सिंगर बन चुकी हैं। जी हाँ, कल उनका गाना रिलीज हुआ छठ पूजा का, जो कि उनकी आवाज में पहला उनका छठ पूजा का गाना था। लेकिन उस गाने में अंजना सिंह ने किस तरीके से अपनी आवाज दी है, वो गाना दर्शकों को कितना पसंद आया है, उस गाने की किस किस ने प्रचार किया है, और खुद यश कुमार मिश्रा के साथ अंजना सिंह का इस गाने का कनेक्शन और उनके इस गाने के साथ जुड़ी खास रिपोर्ट, चलिए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भोजपुरी सिनेमा के रियल कपल और फिल्मों में अपनी शानदार केमिस्ट्री के लिए जाने जाने वाले यश और अंजना की लव स्टोरी इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि आम लोगों के बीच भी आ चुकी है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अंजना और यश की शादी को कई साल बीत चुके हैं। इन दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी है जिनका नाम है अदिति, जिनके साथ यश अंजना बार बार देखे जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दोनों ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर एक स्पेशल गाना भी बनाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, यश ने एक फिल्म भी की है जिसका नाम है मेरी बिटिया। शादी के पहले अंजना और यश में जैसा प्यार था वैसा ही अभी भी बरकरार है। हालांकि कुछ दिनों पहले यश के साथ निधि की नजदीकियों के किस्से खूब उड़ने लगे थे, लेकिन सूत्रों की माने तो निधि और यश की नजदीकियों से अंजना को होने लगी थी परेशानी, इसलिए यश ने निधि के साथ अपने कनेक्शन के तार को कर दिया है डिस्कनेक्ट और अब अंजना के फिल्मी करियर में खूब दे रहे हैं उनका साथ। तभी तो हाल ही में अंजना ने गाना गाया है जिसे यश ने अच्छा बताते हुए अंजना के पहले गाने को शेयर भी किया है अपने फैंस के बीच, अनुरोध भी किया है कि वो अंजना के इस गाने को सुने। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों कि आखिर किस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री की खूबसूरत हीरोइन अंजना और यश के बीच ऑल सब ठीक है। जी हाँ, और सभी चीज उनकी तरफ से उनके रिलेशन को लेकर जो बार बार खबरें अफवाहें फैल रही थी उन्होंने उस खबरों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर में हम बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के एक सुपरहिट जोड़ी। जी हाँ, और दो बड़े स्टार। सुपरहिट जोड़ी की जब जिक्र आता है तो डेफिनेटली आपके मन में खेसारी लाल यादव काजल, अक्षरा सिंह पवन सिंह और आम्रपाली दुबे निर्भय याद आते होंगे, लेकिन नहीं, इसके अलावा चौथी जोड़ी भी है। चौथी जोड़ी है खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह की, जो करीबन 4 सालों के बाद
कमबैक कर रहे हैं। लेकिन आज से कुछ सालों पहले, जी हाँ, उनकी फिल्म एक साल 2017 में उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी और दोबारा से उस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर, जी हाँ, मुंबई के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कौन सा वो फिल्म है जो दोबारा से खेसारी और अक्षरा जिस फिल्म में देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ आज से करीबन 4 साल पहले फिल्म बनाई गई थी जिस फिल्म का नाम था दिलवाला। जिस फिल्म में खेसारी लाल यादव के साथ अक्षरा सिंह मेन रोल में नजर आई और उस फिल्म को साल 2017 में रिलीज किया गया था, जिसके बाद दर्शकों को खेसारी अक्षरा की जोड़ी इस फिल्म में इतनी ज्यादा शानदार लगी कि इस फिल्म को दोबारा से मुंबई में अभी रिलीज किया गया है। जी हां, सालों पुरानी भी जब खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह की जोड़ी के साथ रिलीज किया गया फिल्म भी दर्शकों की तरफ से अभी उन्हें भरपूर प्यार भी मिल रहा है। जी हां, आप लोगों को बताना चाहेंगे अक्षरा सिंह के साथ खेसारी के इस फिल्म को अभी भी लोग सिनेमाघरों में देखने जा रहे हैं और उन लोगों का साफ कहना है कि खेसारी अक्षरा की ये फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है और इस फिल्म में खेसारी के साथ अक्षरा सिंह की जोड़ी सुपरहिट लग रही है। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों कि आखिर किस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरहिट जोड़ी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह जहां अभी फिल्म दिलवाला में धमाल मचा चुके थे, तो वहीं अब उनकी बहुत जल्द फिल्म बबुआ बवाली भी आएगी जो कि बहुत ही शानदार तरीके से उसे बनाने के और उस पर उसकी मेकिंग पर खास ध्यान दिया जा रहा है। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर देते हैं और अगली खबर में हमारे पास खबर है भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ जुड़ी, जो कि सीधा उनके 27 अक्टूबर की रात की घटना को एक बार फिर से उजागर करता है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं खेसारी लाल यादव के साथ जो 27 अक्टूबर को घटना घटी थी उसके बाद उसी के साथ जुड़ी कौन सी नई अपडेट आई है, और चलिए दिखाते हैं आप लोगों को इस खास रिपोर्ट में इस खास जानकारी। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ 27 अक्टूबर को जो घटना वैशाली में हुई थी उसके बाद खेसारी लाल यादव लाइव वीडियो सोशल मीडिया पे जारी किया था उन्होंने, जिस वीडियो में खेसारी लाल यादव ने अपने साथ 27 अक्टूबर की रात की घटना की सारी आपबीती बताई। लेकिन इसी बीच आज सोशल मीडिया पर उसी रात का एक और वीडियो भी आया है जिस वीडियो में पुलिसकर्मी उस रात की सारी आपबीती को बताते हुए दिखाई दी है। जी हाँ, उन्होंने कहा अचानक से वहां पर भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई थी जिसके बाद ऐसा माहौल बन गया कि लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी पुलिसकर्मी की बातों के बाद में एक सवाल उठता है कि आखिर भीड़ एकदम से कैसे बढ़ सकती है, और अगर भीड़ बढ़ भी गई तो प्रशासन की व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे थी कि लोगों की भीड़ को काबू नहीं कर सके। इस तरह के कई सवाल अभी भी लोगों के मन में उभर रहे हैं। बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार का शायद बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि जहां पहले लालू की तबीयत उनका साथ नहीं दे रही थी तो वहीं अब लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच तलाक की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही। और इसी मुद्दे पर जब आज तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी से जब मीडिया की तरफ से सवाल पूछे गए कि भैया और भाभी की तलाक को लेकर क्या कहना है, जिस पर तेजस्वी तुरंत मीडिया पर गुस्सा हो गए और कहा कि ये उनका पारिवारिक मामला है और इसमें कोई दखल अंदाजी ना करें। वाल आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि इससे पहले तेज प्रताप का भी बयान आया था जिसमें तेज प्रताप ने साफ कर दिया था कि वो इस शादी के बाद घुट घुट कर जी रहे थे और इसलिए वो अब तलाक लेना चाहते हैं। हालांकि यादव परिवार में तेज प्रताप यादव को मान मनोबल का दौर चल रहा है। अगर तेज प्रताप यादव के जिस तरह के तेवर दिख रहे हैं उससे लग नहीं रहा कि लालू परिवार की मुश्किलें कम होंगी। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल बेशक से पिछले कुछ सप्ताह से विवादों में घिरे रहे हों, लेकिन इन विवादों और चिंता को खेसारी ने कभी अपने काम के बीच नहीं आने दिया। तभी तो जहां खेसारी ने विवादों के साथ सोशल मीडिया पर अपने नए नए गाने रिलीज किए तो वहीं दूसरी तरफ फिल्मों के लिए वो फिल्म मेकर से भी मिलते रहे। हालांकि अपनी फिल्मों की मीटिंग के लिए वो बाहर कहीं नहीं दिखाई दिए, इसलिए फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर 2 दिन से खेसारी के घर आ जा रहे थे। सूत्रों से जानकारी मिली है कि लाल बाबू पंडित अपनी फिल्म कुरी नंबर 1 की शूटिंग जल्द ही शुरू करने वाले हैं, जिसकी मीटिंग के लिए वो खेसारी के घर पर कुछ दिनों पहले ही देखे गए थे। इस फिल्म के गाने खेसारी लाल की आवाज़ में तो होंगे ही, लेकिन वो गाने कुछ अलग तरह के होने वाले हैं। यानी इस बार खेसारी की फिल्म कुली नंबर 1 में आपको बेशक से फिल्म पसंद ना आए लेकिन गानों को आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ये खेसारी और फिल्म के डायरेक्टर लाल बाबू पंडित का भी दावा है। फिलहाल शूटिंग शुरू होने वाली है और जैसे ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी फिल्म की कहानी और फिल्म के सेट से जुड़ी जानकारी हम आपको देते रहेंगे।
तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, ये थी भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़ी वो तमाम खबरें और जानकारियां जो कि स्टार्स के साथ जुड़ी थी। और खासकर ये स्टार्स के बीच हम जानकारी लेकर जो आते हैं वो पूरे दिन की ताज़ा तरीन खबरों के साथ जुड़ी होती है, जो आप सभी तक पहुंचानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। वेल दोस्तों, आज के खास प्रोग्राम में इतना ही। मैं प्रियंका राज आप सभी लोगों से लेती हूँ इजाज़त, लेकिन हाँ, आप ऐसे ही हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमारे चैनल एक्स नाइन न्यूज़ भोजप्रिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।